अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। गांव के फैमिली कल्चर की सबसे खूबसूरत और यूनिक बात यह है कि घर में जिसके पास मुकम्मल अथॉरिटी होती है वो घर का बड़ा यानी बाबा होता है। वैसे शहरों में तो ये कल्चर बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, मगर सियासी पार्टियों में आज भी मौजूद है। एक वक्त था जब देहातों के नौजवानों को शहरों में जाकर बसने का बड़ा शौक हुआ करता था, लेकिन आजकल जितनी महंगाई है और मईशत की जो सूरत हाल है, ऐसा लगता है कि कहीं शहरों से लोग देहातों का रुख ही ना कर लें। मगर जो भी है, देहातों की ज़िंदगी का हुस्न ही कुछ और है। आइए आपको दिखाते हैं। बे मर जाने आ, राती सुत्या पिया तू मैनू गाला कढ़ रहा से। ए तेरा भुलेख है की कि मैं सुता सी। बे मैनू अपने व्याह दी तारीख जगह ते एक भी वजह मैनू याद नहीं, किवें नसीब हर गए सन मेरे। तेरा शुक्रिया बक्को, तू छोटी छोटी गल्लां ते मैनू साउंड एडवाइस दें दी है। जिहदे साउंड 99% होंदा ते एडवाइस 1%। वाह बाबा जी, आप तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। नी बेड़ा तरे दे उस्ताद दा जिन्ने नु अंग्रेजी दा आलम बनाया है। आलम बक्को जी बक्को, तू अजकल केड़ा चंगा खाना बनाने। किधरे मैनू जीटी रोड ते होटल ना खोल देना। भैड़ी तेरा खाना खा के मैं ते रब अगे दुआ करदा कि आला अज फिर बच जावा। मैं सदके जावा, तू मैनू अल्लाह दे किन्ना नेड़े कर दिता है। शुक्र कोई गुनाहगार भी नेक होया। तेरे मरण तो बाद मैनू इस गल का यकीन हो जाना है कि दुनिया एडी भैड़ी जगह भी नहीं। चंगा भला सिंधुआ का मुंडा है ते भंडा हार जुगता पिया करना, इत्थे मंजी ना मंजी हो पिया, जा जा के पोतरे पैलियां तो चक्कर ही ला आया। तेनू मेरे ना मिठी गल की थे, तकरीबन कोई 6.5 महीने तो हो गए ने। इधरा वो भैड़िए मिश्री की डली होंगी से, अरे की खाण लग पई है, तेरा जहर कटन की बजाय बदी जा रहा है। चाचू हिजरां दे विछोड़े हर वेले मेरी रूह नूं छटते रहते ने, तू किवें भुल सकना बटवारे दी ओह काली रात नूं जदों रामचंद ते उहदे साथियां ने मेरे कोल मेरी 12 साल की बानो खोली सी। जहानों फखरा सोना मेरा अछू पुत्र ओदी इज्जत तो कुर्बान हो गया सी, एहो ही गम मेरा सह रहे। तो मैं इस सदूक सी दे दुपट्टे नूं चुमनी आ, ओदी खुशबू मैनूं बेबस कर दिंदी। तू मेरियां ज़्यादतियां नूं माफ कर दिता कर। तू की समझनी है, मैं सारियां गल्लां उसारी बैठा। भैड़िए सानू दोवां नूं अपने पोतरे अख्तर लई जीना पैना है, जिहड़ा अच्छू दी मौत तों 5 महीने बाद सानू रब ने दिता सी, उहदे वास्ते जी चलीए, अपने रिश्तियां नूं सांभ के जी। ते अज मेरे नाल तू वादा कर, अज तो बाद तू कदी मलका जज्बात बहार नहीं बनेगी, तू मेरी तानी बेगम है। आप भी बोले आप तथ्य हैं। मैं तो आप लोगों की मोहब्बत देखकर स्पीचलेस हो गई थी। बस मलक साहब, इस उम्र च सिर्फ मोहब्बत ही रह जाती है। तू नजीर का पुत्र है ना? हाँ जी हाँ जी। 2-4 दिन पहले तुहाडे घर फायरिंग नहीं सी हुई? हाँ जी। तेनू क्यों नहीं गोली बजी? आप लोगों की ये नोक झोंक ना मुझे बहुत पसंद आ रही है। असि तो सारी जिंदगी इंज ही रहे जिम्मे मोहम्मद अली से जेबा। आइडियल लाइफ की उन्होंने दी आइडियल लाइफ सी, याद है तेनू? याद है जो तुम लाटू वाला सेहरा ला के हाथ च हाकी बन के मैं ब्याहन आए हो। मलक साहब, पिंडा की जिंदगी क्या जिंदगी है? हाँ वैसे गांव की जिंदगी होती तो बहुत खूबसूरत है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं गांव में रहूं। नी सत बिस्मिल्ला कुड़िए, टाइम काट के पिंडा। मैं आपके घर में रह सकती हूँ? लो एक छोटा घर है। बहुत फैसिनेटिंग लाइफ होती है ना, विलेज लाइफ। जी वीना, इस पे मुस्तनसर हुसैन तारर साहब की किताब भी है। यस, देश परदेश विलेज लाइफ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नॉवल है, आप सबको पढ़ना चाहिए अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। उसमें स्टोरी ये होती है कि किस तरह से दो लड़के अपने बाप की वसीयत के मुताबिक गाँव में जिंदगी गुजारने के लिए चले जाते हैं। शुरू में वो जाकर वहाँ पर बहुत बोर होते हैं, मगर एंड पे क्या होता है कि उनका शहर वापस जाने को दिल ही नहीं करता। ब्यूटीफुल नॉवेल। ए मुंडिया दी स्टोरी तो मैं याद आया, साडा मुंडा किथे जे? क्यों परेशान हो रही है? आ जांदा है। दादा ओ दादी सुनियो, खैरे अज फौजा बार्डर ते सीज़फायर कीती बैठी है।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਾਂ ਹਾਂ ਅਰੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਪਿਆ ਆਹ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਬੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਚੱਕ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਆ ਜਾ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ ਬਈ ਯਾਰ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਾ ਮੁਖਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਘੱਟਾ ਤੇ ਸਵਾਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਭੋਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਚੁੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਤੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲੁਗਤ 'ਚ ਇਲਮੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਮੋਸ਼ ਅੱਛਾ ਦਾਦਾ ਬੂ ਇਸ ਅੱਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਅਖਤਰ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੁਸਨ ਇਲਮ ਅਤੇ ਅਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਜਦੋਂ ਆਤਿਸ਼ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਸੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਆਤਿਸ਼ ਪੜਵਾ ਨਾ ਲੈਣਾ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਲਮੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ 3 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਸੀ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਬੜੇ ਇਤਮਾਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੀ 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 ਕਰਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਕੱਜਲਾ ਨੰਦਾਸਾ ਪਰ ਹਰਾਮ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਬੇ ਜੀ ਭਾਂਡੇ ਭੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇ ਹੈ ਵੇ ਪੁੱਤਰੋ ਪਿੱਛੇ ਪੱਠੇ ਪੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਜ਼ੇ ਵੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅੱਛਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਸ ਚੱਲਦਿਆਂ ਢਾਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਹ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੰਡਾਵੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਥ ਹੀ ਵਢਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਪਿਆ ਢੋਲ ਤੇ ਵਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਢੋਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਦਾਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਾਜ਼ ਔਰਤ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰੋਬਲੌਕਸ ਓਏ ਰੋਬਲੌਕਸ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਦਾਦੀ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵੀ ਕੋਲ ਨੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਲੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਓਏ ਹੋਏ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੀ ਔਰਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਜੂ ਬੰਦਿਆ ਵੈਸੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਇੱਕ ਤਰਫ ਮਗਰ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ ਥੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਰਤ ਤੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਸੂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮਕੀਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਾਟ ਡਿੱਗ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਰਤ ਖੌਫ ਤਿੰਨ ਗੈਰ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਜਜ਼ਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਖੌਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਰਨ ਮੰਨ ਗਈ ਦੂਸਰਾ ਖੌਫ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਸੇਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੱਕੜ ਦਾ ਮਾਰ ਚਲੋ ਕਬਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀੜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਚੱਕ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 7-8 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਵਾਏ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਜ਼ਦਾ ਫਰੀਕੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਏਡਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਗੁਲਫਾਮ ਅਖਤਰ ਮਾਂ ਸਦਕੇ
ਇਹਦੀ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਸੁਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਖਚ ਮੋਥੀਆਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਲੀਆ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਥਲ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦਾਦੀ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਤਿੰਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਇਲਮੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 6 ਜ਼ਰਬ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 46। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 6 ਜ਼ਰਬ 6 ਤੇ 36 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ 6 ਜ਼ਰਬ 6 56 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੈ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੁਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਮਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਚੀ ਸਕੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਜਿਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਚੀ ਸਕੀਨਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗਡੇਰੀਆਂ ਚੂਪਣ ਡਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੂਪਣੀ ਪਈ। 2.5 ਕਿਲੋ ਗਨੇਰੀਆਂ ਸਨ ਛਾਪਰ, ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਅਰੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਹਵਾਸ ਬਾਖਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹਨੀਫ ਸ਼ੋਰਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ ਤਖੱਲਫ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸ਼ਗਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2 ਡੂੰਘੇ ਸ਼ੋਰੇ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਾਦੀ? ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਵੇ ਆਪ ਦੋਸਤ ਇਹ ਨੇਵੀ ਦਾ ਲੜਾਕਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੋਸਤ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਲੱਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਨੀਫੇ ਜਾ ਜੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਰਾ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਇਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਇੰਜ ਦੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਰਾਸੀਮ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਰਾਸੀਮ ਮਰਨੇ ਕੀ ਬਜਾਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ? ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਖੰਘੀ ਤੇ ਜਰਾਸੀਮ ਬਾਹਰ, ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰਾਸੀਮ, ਅਜੇ ਡਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਕੁੜੀ ਜਰਾਸੀਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਇਸੇ ਖੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮਰਦਾ। ਵੇਖ ਤਰ ਪੁੱਤਰ, ਜਾਨ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਦੋਂ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੁਟਕਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਤੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ। ਵੇਖਰ ਪੁੱਤਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾ ਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬਤੀਸੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਦਾਦੀ, ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ? ਵੇ ਨਹੀਂ ਵੇ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ। ਵੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਇਲ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੰਦ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਗੈਰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਇਲ ਦੇਣੀ ਲੱਗਦਾ, ਗਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਰੋ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਆ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਫਨ ਕਿਹੜੀ ਦਰਸਗਾਹ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਖਤਰ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਡਿਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਲੋ ਡਿਨਰ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ, ਇਹ ਡਿਨਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰੇ ਜਾਹਲ ਬੁੱਢੇ, ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਮਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਔਰਤ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਪੱਖੋ ਬੱਕੋ, ਸੱਚੀ ਦੱਸ, 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਫਾਕਤ 'ਚ, ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਇਟੀ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਿਆ? ਪਾਵਰਟੀ ਟੂ ਪਾਇਟੀ, ਵਾਓ, ਦੇਖਿਆ ਕਾਲਮ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਕੋ ਦਿਲ ਅਕਦੇ ਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਰ ਜਾਣੇ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਬੰਦੇ 2 ਲੱਭੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਖਦਸਾਨੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ 2 ਬੰਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਦਾਦੀ ਤੂੰ ਭੋਲੀ ਹੈ,
दादे ने उत्थे वेख के क्या अगदे सानी वापस लेता हूं हां जी तू ओ पूछ ले जेड़ी मुरली जी भाई ये तो ठीक नहीं तेरा बेड़ा एक मैं गल तेरा बेड़ा दादी नहीं एक मिनट दादी नहीं दादी जी दादी नहीं दादी दादी नहीं दादी नहीं दादी जी मलक साहब ब्रेक ले लो को बंदा कत्ल करवाना है जी अब यहां लेते हैं एक ब्रेक स्टे विद अस मस्तियों में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं और देखते हैं कि आज खबरें क्या है हमारे पास. What's the first news, please? खबर है कि एक माह तक मसलसल पिज्जा खाने वाला शख्स सोशल मीडिया पर वायरल. माँ सदके जाए यह जो कुड़ी नाराज होकर ना मशीन दी फिरकी च लोग जानी यार नहीं ऐसी बात नहीं है बेचारी इंप्रूव कर रही नहीं वो इंप्रूव कर रही है डे बाय वो कादी बेचारी है सुन वाले को इन्ने पैसे लैन दी है सरदार साहब थोड़े घटा लो ओदी सेहत वेखो इन्ने के लै रही होनी अमेजिंग खबर है ना अविना जी आप सेहत की बात कर रही हैं मैच्योरिटी की दो में ये जी कुड़ी दा ब्याह ना डोली सुख पैर बाहर होंदा क्यों एवें खेलती जा रही नहीं नहीं देखा जाए मेहनत कर रही है दिमाग लगा रही है आप गिर ना जाइएगा आगे देखो जाइए फिर कब कब करके आते हैं अच्छे तोड़े अपनी गल ना पिज्जा मुक जाना एक बंदा खा रहा है हां अमेजिंग है ना पिज्जा खा के वजन कम करना वो केड़ा पिज्जा आ गया हां मिस्टर रायन ने ये साबित किया ही इज अ पर्सनल ट्रेनर और एक महीने तक उसने ब्रेकफास्ट लंच डिनर हर तरह के खाने में सिर्फ पिज्जा खाया हर टाइम वो पिज्जा खाता था और उसने अपना वजन कम कर लिया अमेजिंग वो हमें पिज्जे में एक दंदी मार के रख देना होवे दंदी भाजी वजन वाला क्यों कम होया नासर साहब जी क्यों भी वो पूरा महीना पिज्जा खांदा रहे उधार मुगाव गा के उनु पता सी महीने दे अंत ते पैसे ते देने ही पैने ये सोच सोच के दा वजन कम होया लो ये भी हो सकता है मगर ये वाकया कहां का है प्लीज आप प्लीज उर्दू ना बोले और आप भी जी आप क्या कह रही थी एक्चुअली ये शुमाली आयरलैंड का वाक्य है मगर इससे क्या फर्क पड़ता है कि कहाँ का वाक्य है हाँ गल असल भावे पिज्जा कितने भी खादा हो नहीं जी नहीं पता होना चाहिए पिज्जा इन्ना कितने खादा गी यानी कि शुमाली आयरलैंड में खाएंगे तो पतले होंगे लाहौर में खाएंगे तो नहीं होंगे हाय अच्छा वैसे रीजन क्या है पिज्जा खाने से वेट बढ़ता है ये कैसे कम हो गया दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग ये हो सकता है वेजिटेबल पिज्जा हो और इसमें चीज कम हो मेरा ये ख्याल चलो फिर गल टूर भी मेरे ख्याल में पिज्जे के बाद चरस पीता हो और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि पहले पीता था या बाद डोंट प्रमोट टोबैको हियर और नो प्रॉब्लम मैं ये बात नहीं कर रहा मुझे तो इतना पता है जी जब मैं चौथी जमात में पढ़ता था ना तो दुआने पे शर्त लगी थी खास 7 दिन दुआना ही खाना है हाँ वाटरमेलन इज ऑल्सो फैट बर्नर बाय द वे एदी गल ते ध्यान ना देके ना इनू जलील करके ना मैनू बहुत खुश अच्छा वैसे वीना जी वेट कम करने के लिए आप भी कुछ सजेस्ट कर दें माशाल्लाह आपका वेट ठीक है हम जैसे लोग हैं कम कर लिया है हाँ वैसे वेट कम करने के लिए मेरे पास एक तरीका है क्या प्रोडक्शन का खाना छोड़ दे यार वाकई है इस प्रोडक्शन का तो खाना फिर छोड़ना ही चाहिए क्योंकि इतना यम्मी खाना मिलता है यहाँ पे मैं भी खा खा के मोटी हो गई तश्वीशनाक बात है वीना जी तश्वीशनाक कि आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है आप भी दुआना खाती हैं आप 4-4 मिनट के एवरी डे 4 planks लगाएं सुबह को माशाल्लाह और 20-20 set के 5 push-ups लगाएं सुबह को आप भी पतले हो जाएंगे सुबह का वास्ता ये सब ना इनको उर्दू में बताएं अच्छा नासिर आप फिट रहने के लिए क्या करते हैं मैं असल पपीता बहुत खाता है तुझे खाया करो सरदार साहब पपीता मेरा ख्याल मैं ही तेन लाया सी और मैं को पता लव जैसे मैं लाया कि नहीं अच्छा आपने भी वेट लूज किया है हाँ जी मैंने भी वेट लूज किया है मैं तो वेट लूज किया है ना अमीरजा साहब ने करेक्टर लूज किया है तो आप अपनी वेट लॉस स्टोरी शेयर करें ना बहुत इंस्पिरेशनल लगेगी लोगों को दसिया तो है तुम पपीते की गल दसी तो है रात की रोटी छोड़ दो फ्रूट खाओ वो फ्रूट पपीता जरूर होना चाहिए जो अजाब मैं कटा तुसी भी कटो तो पाया खाना बहुत मुश्किल काम है मिर्जा आपने किस तरह से वेट लूज किया है मैं सिर्फ एक रोटी खाता हूँ एक रोटी पूरे दिन घर से मिलती है एक रोटी अब तो महंगाई इतनी हो गई कि लोग खुद ब खुद ही वेट लूज करेंगे डाइटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ए बेचारा आजकल डाइटिंग कर रहे हैं ट्विस्टर भी यूज कर रहे हैं ट्विस्टर हाँ जी ये तो बड़े अच्छे गाने गाने भी गाते हैं ना तो नाच नाच के करते होंगे ओ मैं को 4 गाने और उन्होंने मैं 200 वारी एंजॉय कर रहा हूं और कच्ची दाल भे के रखी 1.5 किलो डेली खांदा है अगली खबर सुनाए जी खबर है कि मुर्दा करार दी जाने वाली खातून आखिरी रसूमात से कबल जिंदा हो गई मजा हो गया फिर कुड़ी ने मुर्दा किया किडी बरकत है यार मेरे ख्याल ना डिटेल है क्या अमेरिका में ये वाकया पेश आया है 66 साल खातून थी उनकी आखिरी खबर तो लगता है पाकिस्तान बहुत सुकून इतना तो कोई वाकया होता ही नहीं
उनकी आखिरी रसूमात हो रही थी। अच्छा। एक्चुअली उनको डिप्रेशन था, एंजाइटी थी, उनको हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट करवाया, तो डॉक्टर्स दे डिक्लेयर्ड हर डेड, और उसके बाद उनकी रसूमात जारी हो गई, और जब रसूमात अदा हो रही थी तो उनकी सांस आना शुरू हो गई। माई पता उठी कदों है? जब उन्होंने फटे होते किल लाए ने ना, वो थोड़ी दी आवाज में माई उठी है। वैसे हो सकता है नहीं, माई जी ने हल्का जा हाथ छिले गए उनके, तबूत ते खुला डोला बनवाना। अच्छा वीरा, मुझे लगता है ये कोई आरजा था जिसमें वो खातून मुब्तला थी। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि एक दफा कोई अगर मर गया तो फिर उठेगा क्यों? ऐसा बहुत दफा हुआ है। अच्छा जी, ऐसा होता है, ऐसा बहुत दफा हुआ है, खबरें हम पढ़ते रहते हैं दैट पीपल दे आर प्रोनाउंस्ड मेडिकली डेड और उसके बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। बाय द वे दैट्स कॉल्ड लेजरस सिंड्रोम, जिसमें वंस एन इंडिविजुअल इज प्रोनाउंस्ड डेड द कार्डियक एक्टिविटी रिटर्न्स अगेन। वंस द पर्सन इज प्रोनाउंस्ड डेड द कार्डियक एक्टिविटी रिटर्न्स, दैट्स कॉल्ड लेजरस सिंड्रोम। और ये होता है, ये दिल की धड़कन बंद होने से ना। लेकिन आप सिचुएशन इमेजिन करें ना, जहाँ ऐसा होता होगा कि कोई शख्स मर गया है, उसको कह दिया गया कि फौत हो गया और उसकी एक्टिविटीज चल रही हैं और वो जिंदा हो रही है। ये देखना उस मायने नुकसान किने दा कराया है। किवे नुकसान है? कितु रिश्तेदार आए नु दे पता है कितु? ओ तो बा चंगे सन माई दे रिश्तेदार। चंगे जदों तला पहुंची उथे ओ स्यापा पिया है, उन्हें स्पेशल बस कराई अग टाइम। अग टाइम एक बस निकलदी चंग तो। अच्छा। वो जी सवा घंटे लाहौर आँदी है ना, उदे उत्ते कई मुसाफिर सुते तो ब्रेक इंज मारदे ते मुसाफिर तीसरे मरबे चो जाके लभदे। उन्होंने कहा जी अग टाइम से अमरीका जाना जी। उन्होंने पूछा मैं किधर चलो, कहते साड़ी उत्थे फेर फौत हो गए ये अमरीका हैरी, असि उत्थे बाई देने चले हैं बाई। पहला तो तुझे सोचो जो उठी होएगी सारे डर के दौड़ नहीं गए? दौड़ गए, दो बंदे ने माई ते छाला मारती है सर। भूत भूत। उन्होंने सारे ने खाने कहा जी पैसे भरो। किस बात के? जिन्होंने खर्चा करके आए थी। बड़ा नुकसान बनया कुछ सवा लाख डॉलर। माई ते परचा हो गया, माई हुण जेल च। बड़ा तबू सी ना वो, हाफ रेट से फिर उन्होंने यू मिर्जा के बेचा, बच्चे लैके उत्थे शिफ्ट होया। यही कह रहे सरदार साहब, मिर्जा ने मेरा मशवरा किया है। अच्छा क्या? मैंने कहा जी बिल बहुत आंदा है, अगर मैं इस तबूत से सोलर सिस्टम लवा लवा, वो तबूत दिलानी पा लेंदा, कहते स्विमिंग पूल है। अगर कोई तंग कर रहे तो तबूत दरिया सुट के किसी और शहर भी चल जाना, बोट भी बन जाता है। बोट के तौर पर मैं इस्तेमाल कर रहे। दुबई चला गया सी तबूत दे विच, तबूत दे थलो मोरी सी। अच्छा। और मछली दा किधर सिंग जिहा फस गया विच, ओहो वो वड्डी मछली सी, वो इन्हां ने खिच के दुबई लै गए। ओहो वो तबूत दे समुंदर दे किनारे लगा है। अच्छा जी, ते उत्तों शूरते आ गए। ओए उन्होंने इहदे बच्चियां नूं साइड ते कीता, असल मुलजम उन्होंने बाहर कढ़िया। ताज़ा खजूर नाल तो सोटी तोड़ के रख इहनूं विछा रेत ते लिया उन्होंने। ओए ओए उत्तों रेत गरम छुरते हाथ जोड़े ने। छुरता नहीं मनिया, जानते यार तकरीबन साडी बरादरी दा बंदा है। पर छुरते ने कहा मेरी गल सुनो, मैं तेरी धौण पा दिया, उन्हें फौरी अंदर कर दिया। ਉਹ ਕਿਧਰ ਗੈਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰਤਾ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ? ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਬੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਸ ਰਿਬੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਰਵਾਈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ ਸੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਰਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਘਾਮੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਓਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਰਿਬੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। It's time for a short break. Stay with us. Welcome back to Mastiyan once again. वैसे आपने एक बात नोट की है, आई चिंग हो, नॉस्ट्राडामस या बाबा वांगा, इन जितने भी लोगों ने फ्यूचर की प्रेडिक्शंस की हैं, उन सब में एक बात कॉमन है कि इन सब लोगों ने तबाहियों की ही पेशगोई की है, मतलब किसी ने खैर की बात नहीं की। अब देखे ना, हमारे जितने भी टॉक शोज होते हैं, यूट्यूब के व्लॉगर्स हैं, गरम हमाम हैं, पार्लर्स हैं, उनमें जितनी भी गॉसिप्स होती हैं उनमें नेगेटिविटी और सनसनी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। मैं तारुफ करवा दूं कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक मरतबा फिर बाबा वांगा, और उनके साथ एक और क्लियर वॉइंट भी हैं। मैं बहुत गुस्सा हूँ तुम पे। क्यों? ये आज किसको बिठाया है? हमने अपने लोकल बाबा वांगा को बिठाया आज आपके साथ। तू ही समझ, तू ये तब छीन गुइयां करदा, तू पटेंशन करदा। अच्छा, पहली बात तो ये जाहिल के बच्चे में जेंडर देख ले, मैं एक औरत हूं। बाबा फिरो, आपसे सवाल है कि आपने कोई ऐसी प्रेडिक्शंस की हो जो ठीक साबित हुई हो? ये बढ़िया बढ़िया प्रोटेक्शन,
और जड़ी कीती आ हमेशा सच हुई आ। ये कब से कर रहे हैं आप प्रेडिक्शंस बाबा जी? सन 47 तो लैके मैं सन 2003 तक की है। तो कब आपको पता चला कि आप प्रेडिक्शंस कर सकते हैं? जो पेट्रोल महंगा होया मैं पता लग गया पोटेंशियल मेरी सच्ची हो गई। अच्छा हाँ जी, आ जो गंढे हुए 250 रुपये मैं आज तो 7 साल पहले पता से गंढे 250 रुपये किलो हो गए। 7 साल से 50 वारी गंढे महंगे हुए ने तो सस्ते हुए ने। तू बीबी गंढे वाली फिरती रहनी आलू नहीं लेंदी। ये बताए PSL जीतेगा कौन? मैंने क्या बताया तेरे बता? मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि आप जो है वो फ्रॉड थी, टूरिज्म बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने आपके साथ मिलके सारा फ्रॉड खेला था। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? मैं अल्लाह तौबा 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 इल्जाम लगा दिया मुझ पे। ओए मार दे। अच्छा वैसे वीना जी, ये जो बाबा फिरो है ना, ये मुझे फ्रॉड से लग रहे हैं काफी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो देख नहीं सकते लेकिन उनमें खुदा दा सलाहियतें होती हैं। हां बिल्कुल, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग, जैसे गैलीलियो गैलीलाई, ही वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर, ही वाज टोटली ब्लाइंड। अच्छा कुछ लोग अंधे होते हैं और कुछ लोग उनका ब्लरी विजन होता है या पार्शली जो होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं, जिस तरह जॉनी डेप वंस सेड दैट आई हैव नेवर हैड अ प्रॉपर विजन, एवरीथिंग इज जस्ट वेरी वेरी ब्लरी, ही सी थिंग्स इन अ ब्लर विजन। वो तो एम्बर हर्ड ने कर दिया होगा ना ब्लरी। इतनी पढ़ी बेचारे को बड़ा क्या वीना, जब इंग्लिश बोलना शुरू कर दी ना तो भूल जाती है कि बेच को छोटे वड्डे भी बैठे हैं। बाबा जी ये बताएं कि डॉलर और पेट्रोल के दरमियान जंग में कौन हारेगा? ए बागा जी, वीना जी, ये डॉलर जीतेगा डॉलर। अच्छा हां जी, मेनू पता है डॉलर ने जीतना। अच्छा जी हां जी, ना जीतेगा मेरा नाम बता देना। ओ पता कि मैं सही कह रहा है कि डॉलर जीतेगा, क्योंकि कल 1000 रुपया 500 रुपया दोवें आपस च गल्लां कर रहे थे, यही कि भी डॉलर ने जीतना। अच्छा क्रिकेट चल रहा है ना तो क्रिकेट की बातें पूछ, क्या बाबर आजम आहिस्ता आहिस्ता सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे? इतना मेरा नाम लिया कर, तू तो बिल्कुल एक गुत करके सारा कुछ भूल गई है। कैसा फ्रॉड बाबा है, इसको पता है कि मैंने एक चुटिया की हुई है। बाबा आपकी तरफ से वीरा को एक शेर मार रही हूं। सर दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? सर झिझक दहशत परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती? हाँ हूँ जी, मगर हाँ क्या है, क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? बाबर आजम के बारे में प्रेडिक्शन करें ना, कैसे खेलेगा भाई? बाबर आजम के बारे में जब तक ये लड़का जो है वो अपने मगहूरी के जो है वो खौल से बाहर नहीं निकलेगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये खौल से बाहर निकल चुका है। इस दफा फिर वो नंबर वन देगा जी। हाँ तो खौल से बाहर निकला तो नंबर वन है ना। मैंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक बच्चा पैदा होगा अपने बाप के साथ स्कूटर पे, बड़ी धूप में, तपती धूप में पसीने निकलेंगे, है टपक करके मेहनत करने जाएगा, वो दौड़ेगा, वो ऐसे छक्के मारेगा कि आपके मुल्क का नाम रोशन करेगा क्रिकेट के मैदान में, आज पूरी दुनिया से बाबर आजम के नाम से जानती है। और माई जोर ला के पोटेंशियल गलत ना करी है, मैं तुम्हें दस दवा सोफे से बह के बंदा चाहू ही नहीं हो जाता, वो थले आके गल कर, अपने खड़ के गला करके उत्ते खड़ के गल नहीं करी दी, अपने सोफे के पिछले बोतल चक ट्रेन जा रही है। मैं बता रही हूँ तुझे, खबरदार मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ। अम्मा तो उड़न लग गई है। बाबा वांगा है और डांस ना करे तो ये तो नहीं होगा। नहीं डांस नहीं, आज यहाँ पे मुकाबला होगा, बहुत हो गया डांस, बहुत कर गया डांस, आज यहाँ मुकाबला होगा, आज कराटे होंगे, अब नहीं करूंगी डांस। अब दो वजीरे आज मैं मुकाबला है, और सानू की पता इमरान खान बने बाबा नवाज शरीफ बने, रोटी तो अपनी कमा के खानी है। वाह जी वाह, दोनों लड़ रहे ने ते पता नहीं किदे ना लड़ रहे। मैं बता रही हूं, अरे लिया गल कर, अरे समझता क्या है अपना तू? अम्मा रोंदे हाथ च ना उठ के ओदा गिरेबान फड़ा दे जरा, क्योंकि ना ओनू पता लग रहा ना ओनू पता लग रहा। अरे जा बात देखे तेरे जैसे, अरे समझता क्या है अपने आप को तू? अच्छा ये दो इतने टैलेंटेड लोग हैं, जरा अपने बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लें आप लोग। हां भाई शजर, बाबा फिरो से क्या पूछोगे? बाबा जी की गल है, मेरा तो एक सवाल है। मेरे को पैसे है नहीं। जी की समझ में ताडे वाला सवाल करन लगा। इत्ते बाबा जेड़ा सवाल कर ला, मैं तो अन्ना सवाल है करना चाहना कि दसो मैं स्लिम स्मार्ट हो सकना? हां स्लिम हो सकना, स्मार्ट हो जाएगा, रोटी घट तो गर्द बहुत ही खाया कर। विनय जी मैं एक सवाल करना चाहता, आप भी ले लें जवाब। जी अपना लोकल बाबा वांगा साहब। हाँ जी क्यों सफर करना? लोकल बाबा वांगा साहब। हाँ जी सरकारी वेले हो। और बाबा जी मेरे सवाल का जवाब दो, मैच की टिकट नहीं लभदी पई, कितों मिलेगी? ये टिकट तो मिलनी है घर की नुक्कर तो। घर की नुक्कर तो? हाँ उथे कौन ला के बैठे टिकटा? कैफी के बारे में कुछ बताएं ना। अच्छा बाबा फिर आप बताएं कि क्या मैं कभी कोई फिल्म डायरेक्ट कर सकूंगा?
नहीं कभी नहीं। अच्छा चिट्टा जवाब देता जे बच्चे नू हल्का जिहा आसरा दियो तसल्ली दियो उहनू। इहदी आवाज तो लगदा कादे दा वड्डा बा डायरेक्शन नू हथ पै नहीं रहा। मेरे बारे में कोई प्रेडिक्शन करे ना प्लीज। तुसी फांदियां बुलंदियां ते जाना। पिछले महीने गड्डी विक गई है, गड्डी लेनी है। गड्डी तेनू मिल जानी है, तेरी आवाज तो लगता तेरे को फॉर्च्यूनर आनी है। आवाज से कैसे पता चलता है गाड़ी आएगी? मेरी पोटेंशियल है, ए मेरी पोटेंशियल है बीना। मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास कौन सी गाड़ी आएगी? तू कहाँ है बीना, तू कितने है? औरी बाबा कोमे जी चला जाना उदी आवाज आंदी। बाबा जसो मेरा प्यार मेनू मिल जाएगा? तेरा प्यार तो तेनू मिल जाएगा, कुड़ी नू सजा मिल जाएगी। बाबा फिर साडा जेड़ा डायरेक्टर है आसफ रजा, वो बड़ा टेंशन च रहिंदा है, ओदियां टेंशनां कितों दूर होणगियां? देखो जेड़ा लव हुंदा ना, ये बहुत परेशानी दिंदा। साडा खुशगवार खुश मिजाज प्रोड्यूसर आ, और खुश रहना चाहता वा, और आइंदा भी खुशी रहेगा भी थोड़ा दस दी। आमीन। तरीका साडी पोटेंशियल है, तरीका ओ जी ने तरीफा बन दियां ने। तू तो गल तरीफ वाली कर, हैं बड़े गोशत दे 20 पीस करके खाने लिया है। बाबा फिर मेरा एक सवाल हो रहे, कैफी बड़ा टेंशन च रहिंदा है, ठीक हो जाएगा कि नहीं? ए ठीक हो जाएगा, लेकिन बिच बिच जंप आउणगे। बाबा ये दसो के साड़ी को होस्ट जेड़ी है, ये कदों सेहतमंद होएगी? ये जदों कॉन्फिडेंस बहाल कर लेगी सेहतमंद हो जाएगी। अच्छा बाबा जी आप जफरी खान साहब के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहे? बस एमी जड़ा ना गल सुन ले, एमी फजूल आदमी है, गैर जरूरी आदमी। गैर जरूरी? जफरी तो बहुत बहुत कंजूस है। अच्छा, और जफरी तो बाजार कपड़ा लेने जावे तो सूट का कपड़ा भी घट ले गया। रियली? 2000 रुपया मिर्जा साहब। जफरी का बंदा बस ठीक ही है। बस ठीक ही है, क्या कुछ और भी तो बताए ना। बस एमी जरा ना गल बड़ी करता वा, मतलब मिक्स जी करता है। अच्छा सही बातें नहीं करता। 4000 रुपया जफरी का बंदा, लेकिन पटेंशन है उसके भी। 6000 रुपया जफरी पर का बंदा जेड़ा ना सीधा 10 ही करो जी पाज। जफरी का मेरा बच्चा है। हां जफरी पर का बंदा दुनिया में इक्को ही है। लो जी उरला ते बाबा वांगा जे, ओ परला बाबा मांगा निकला है। जफरी पर का बंदा दुनिया च कोई नहीं होना। ऐसा बीबा बंदा है जैसा बाहरों अंदरों भी उस तरह का ही है। बाबा वांगा जी। हां जी, मैं कुछ सबक चीज देखा ना तो मेरा दिल करता है कि बस मेरे कोल होवे, मैं इधर गल्ला करा। एक मिनट जी, सब चीज देखता है, सब चीज क्यों देखता है? अरे बताओ क्यों देखता है? क्यों? हाँ आ भाई, हाँ। पूरे 6 महीने बाद तुम प्रॉपर गधे बन जाओगे। वेलकम बैक टू मस्तियां वंस अगेन एवरीबॉडी। और वक्त हुआ है म्यूजिक का एज यूजुअल हमारे प्रोग्राम में, लेकिन मैं फिल्म का नाम बताऊंगी आपको, आप लोग गाना गेस कर लेंगे कि आज कौन सा गाना सुनेंगे। बताइए आज क्या ऐसी खास बात है कि गेस करना पड़ रहा है हमें? आज आप बहुत संजीदा गुफ्तगू नाम तो बताइए। हीर रांझा। हीर रांझा का तो सारा म्यूजिक सुपर हिट है जी, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, क्या बात। जब हीर रांझा सुना आपने तो आपके जहन में कौन सा गाना आया? कोई एक गाना जेदा ऐ बखना, अम्मा हीर दी दरबार ते गया लाला, उथे धागा बनया अंदरों कबर च आवाज आई, जा आवे तेरी मर्जी दा तेनू रांझा लभ जाए। भाई जरा ये बताएं कि जमानी में कौन कौन रांझा रहा है? भाई सारे ही रांझे रहे हैं। नासर साहब तो हर 15 मिनट बाद रांझे ने। ना मैं बहुत रांझा रहे, कोई शक वाली गल ही नहीं। आपको प्यार तो हो सकता है ना? हाँ ये तो किसी से भी हो सकता है। नहीं प्यार तो हो सकता है, ये हर 15 मिनट बाद मैं रांझा होता हूँ क्या होता है? 15 मिनट बाद मैं जाऊं सी ना भाई, 15 मिनट बाद मैं प्यार हो जाता है। मतलब रांझा कह रहे हैं कि रांझा रांझा बंदे का शौक होता है, तो सो तुहाडी ख्वाहिश नहीं सरदार साहब कि तुसी रांझा बनो? हाँ नासर मेरा दिल ते करदा रांझा बन लई, पर हालात इजाजत नहीं दे रहे, और सेहत भी तो रांझा अर्नड सी। रांझे ते केड़े सिक्स पैक बनदे सन यार। मुरली बदनी हुंदी है, तेरा उंदा कोई तरीका हुंदा है। अच्छा नहीं हुण तुसी कह दो अपने आप नूं समझिया करो। गिला साहब तुसी कदी सोचा रांझा बनन लई? मैं एक वारी स्टेज ड्रामे ही बनया। ओ बकवास बंद करो, असल जिंदगी कहो। हां असल जिंदगी की बात कर रहे हैं। किसी ने प्यार किया रांझा बन के कोई? मैं बड़ा सीरियस ना जी। मोहब्बत कीती है तू? हां मोहब्बत कीती, सीरियस सीरियस, तो मैं सीरियस गल्लां करदा सां। ए बेले दे विच ना रांझा बन के लम्मा पै गया सरदार साहब। हाय कुछ कुड़ियां उते फिर रही सन, कुड़ियां ने छमकां फड़ियां। वाह
हाँ जी मैं अपना बस एवं पिंड शौक होया राजा बनने का ताजा ताजा फिल्म देखी सी शबाज सिनेमे च है जी तो गाने सुन सुन के सुन वंजली दी मिठड़ी तान जुल्फा दी ठंडी ठंडी छान डोलना वो खाल ते बुढ़िया कपड़े कपड़े धो रही तो मंजी पई थी मैं रांझा बन के लम्मा पै गया आराम बस कुड़ियों ने घर जाके तलाह दी अपने तो कुड़ियों के भरा आए ने उन्होंने फिर जो अपना रांझा राजी किया नहीं नहीं कुड़ियों ने पहले कुछ किया तो है ना सर ऐ कुड़ियां दिल वधिया ने नाल कमाद कटिया सी ये जेहन च है कि आग मैं छमका मारन गिया कुड़ियां ने टांगा रोके तो छांटे कटे उन्होंने छांटिया ना इन फैट ये लोग रांझे क्या बने होंगे जो बचपन में मैं राजा बना बचपन में ही राजा बन गया था हाँ जी हाँ जी इतना स्पॉइल्ड बच्चा क्योंकि फिल्म वेखी सी राजा नहीं बनिया जिन छमका वजिया सन इन्होंने एक झोला सवाया जिहड़ा मंगण वाला राजा नहीं सी। आज हमारे शो का वक्त भी खत्म होता है आपसे फिर मुलाकात होगी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़।